यमुना ज़ैदी एक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जो उर्दू टेलीविजन इंडस्ट्री में इंतहाई चैलेंजिंग और गैर मामूली किरदार अदा करने के लिए जानी जाती हैं। यमुना ने बहुत से मशहूर टेलीविजन ड्रामा जैसे खुशी एक रोग, मेरी दुलारी, दिल मोहल्ले की हवेली, रिश्ते कुछ अधूरे से, मौसम, गुजारिश और जारा यादगार में काम किया है और अपनी मुतासिर किन परफॉर्मेंस के लिए 7 अवार्ड नॉमिनेशन हासिल कर चुकी हैं। यमुना ज़ैदी कराची में पैदा हुई और इनकी परवरिश लाहौर, पाकिस्तान में हुई। 2016 में वो अपने खानदान के साथ रहने के लिए टेक्सास अमेरिका चली गई। यमुना ज़ैदी अपने स्कूल के ज़माने में एक इंटरवल थी और इन्होंने कभी भी अदाकारी में अपना करियर बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन जब वो 8वीं जमात में पढ़ रही थी, इनके एक दोस्त अफान वहीद ने इन्हें आसाम रायफल्स वाई डिजिटल के 2012 के घरेलू ड्रामे में एक छोटा सा किरदार अदा करने पर इसरार किया। थकन ड्रामा में बतौर मुहिक के तौर पर इनकी पहली टेलीविजन पर अदाकारी को सामीन और शो बनाने वालों ने बहुत सराहा और इन्हें मिलो ड्रामा खुशी एक रोग में मरकजी किरदार की पेशकश की गई। इसने ड्रामा में आबरू का किरदार अदा किया और इंडस्ट्री में यमुना का एक नाम बन गया। कुछ वक्त बाद में वो उर्दू एक पर मरियम के तौर पर तेरी राम में रोल करती नजर आए। 2013 में यमुना ज़ैदी ने जियो टेलीविजन के मेरी दुलारी और हम टेलीविजन के उलो बराए फरखत नहीं जैसे टेलीविजन शोज में जज्बाती तौर पर शदीद किरदार अदा किया है, जिसके लिए इन्हें हम अवार्ड में बेहतरीन मुआविन अदाकारा के लिए नामजदगी भी मिली। यमुना ज़ैदी ने पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक परेशान हाल बीवी का किरदार अदा करके अपने आप को तरीजक रुमानवी, रिश्ते कुछ अधूरे से मी पेश करके अपने आप को मनवी, जिसके लिए इन्होंने बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन अदाकारा की मकबूल नामजदगियों के लिए हम अवार्ड जीता था। यमुना को इंडस्ट्री में बहुत ही गैर मामूली और गैर मुतवक्के किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। 2015 में यमुना ज़ैदी ने टेलीविजन ड्रामों जैसे मौसम, मदावा, गुजरिश, जुगनू, कानच की गुड़िया, पारिस और आपकी कनीज ड्रामों में काम किया और बेहतरीन अदाकारा के जुमरे में कई नामजदगियां हासिल की। यमुना ज़ैदी ने जाहिद अहमद और सना जावेद के साथ मोमना दरीद के जारा यादगार 2016 में काम किया है, जिसमें इन्होंने मरकजी किरदार उज़्मी इख्तियार अदा किया और इसके लिए काफी तारीफें हासिल की। बाद अज़म 2017 में वो हम टेलीविजन के ये रहा दिल में हयात के किरदार में नजर आए, जिनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और वालिद ने अहमद अली के मुकाबले जवानी में ही इसे छोड़ दिया था। यमुना और अहमद अली की आनिस्करिंग केमिस्ट्री को सामीन ने सराहा, जिसकी वजह से इन्हें हम अवार्ड 2017 में बेहतरीन आनिस्करिंग जोड़े के लिए नामजदगी तक पहुँचाया गया। यमुना ज़ैदी मुख्तलिफ टेली फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें सबा बेदाग है 2014, शादी इम्पासिबल 2019 और राजा की राजी 2019 शामिल हैं। यमुना ज़ैदी ने कई नामों डिजाइनर्स के साथ भी काम किया है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी और जो भी यमुना के फैंस हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।